टेंपल को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। ये मंदिर है भाई, मैंने भी ये गलती की है टू बी ऑनेस्ट, और लोग तो कर ही रहे हैं, पर नहीं भाई ये मंदिर है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ना दोबारा सूर्य देव की पूजा शुरू होनी चाहिए, दोबारा सब चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए, पूरी हिस्ट्री को दोबारा। ये हम पहुँच गए पूरी बस स्टैंड पे, यहाँ पे बसें वसें लगी हुई हैं सब। 8 नंबर पे मिलेगी कोणार्क की बस, दे दो कोणार्क की बस। कोणार्क कितनी देर में पहुँचा देगी? 2:05 1:05 पे चलेगा। अभी टाइम हुआ है भाई 12:42, अभी 20 मिनट पड़ी है। कोणार्क लिखा हुआ इस पर इंग्लिश में, शुक्र है इस पर इंग्लिश में तो लिखा है। ये बस जाएगी भाई कोणार्क, उड़ीसा में लिखा है इस पर। 1:05 पे खुलेगा। सीट पकड़ लो है, सही है, सीट पकड़ लो, फिर बोलोगे कि सीट नहीं मिला, 1 घंटे का सफ़र है। कहाँ जा रही है मोटो? इसमें तो वजन भी है, इसमें तो वेट भी है, मोटी है तो खा भी तो मोटी हुई है। कितने टिकट? 40। वो फॉरनर वाले के लिए तो डरा दिया मेरे को यार, कितने डॉलर बनेंगे? 600 रुपये फॉरनर का है और इंडियन का 40 रुपये, तो ज़्यादा नहीं हो गया ये? 150 रुपया देगा तो भाई, इंडियन से ले रहे हैं 40 रुपये, फॉरनर से ले रहे हैं 600 रुपये। मैंने पूछा उनसे थोड़ा साइड पे, तो बोले कि गवर्नमेंट रूल है। गवर्नमेंट कहना करना क्या जा रही है भाई? टिकट 40 रुपया, 150 रुपया देगा। वो दुकान वाला कह रहा था इसे चाय पीते, बोला अभी ऑफ सीजन चल रहा है, थोड़ा भीड़ कम है। भाई यहाँ तो बहुत भीड़ है, पीछे देखो, इसको आप ऑफ सीजन कैसे बोल दोगे? कहीं पे ये वर्ड लिखा हुआ दिख जाता है ना अपन लोग को, नहीं भी आया हो ना तो भी मन कर जाता है करने का। तो भाई यहाँ से एंट्री होगी आपकी, मशीनें चल नहीं रही हैं तो टिकट फाड़ के उनकी चेकिंग हो रही है। भाई मेरी फैमिली और मैं हम बैठ के सब शनिदेव का नाटक देखते हैं, तो उसमें है देवी छाया और देवी माया जी का, तो ये लिखा हुआ है छाया देवी टेंपल और माया देवी। और भाई ये जान के और ये देख के ना बड़ा दुख पहुंचता है, मंदिर हैं और जो हमारी पुरानी विरासतें हैं उनको कितनी बार डैमेज करने की कोशिश की गई है भाई। ये टेंपल यार इतना ज़बरदस्त है, मतलब देखो यूट्यूब पे देखना या पिक्चर से देखना और खुद आके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में बहुत फ़र्क है भाई, मतलब रियलिटी में उस चीज़ को देखना बहुत ही। मैं आपको ये कहूँगा कि आके देखा करो यार चीज़ों को। हमारा वीडियो बनाने का मेन जो है मोटो यही होता है कि लोगों को एक तो नॉलेज मिलेगी, उसके बाद उनका खुद का भी आने का इंटरेस्ट बनेगा उधर, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का इंटरेस्ट बनेगा भाई। इतनी मैं वो जो अपना जगन्नाथपुरी टेम्पल है ना, उसमें भी इतनी बारीक नक्काशियाँ की गई है ना, इतना बारीक नक्काशी की गई, मतलब अमेजिंग यार, लाइक वर्ड्स नहीं है यार, मतलब खुद आदमी देख के भी मतलब बड़े बड़े कन्फ्यूज हो गए भाई देख के। ये मंदिर की जो ये रथ की जो होता चक्र, उसमें डैमेज कर रखा है, और भी काफ़ी जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा डैमेज कई जगह पे कर रखा है। ये इधर भी डैमेज कर रखा है, बराबर 3 होगा। एक वाली होता है 3 बताया अभी, ये 12, ये 3, ये 6, अभी 3 बज रहा है, देखो बराबर समय 3 है। भाई हमने अभी भी एक गाइड ले लिया है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, साथ में ये सब जो लोग हैं इनको भी मैं ही टूर करा रहा हूँ। मेन टेम्पल इनका हाइट 229 फीट है, टूट जाने का वजह से अभी 90 फुट बचा है। मेन मंदिर टूट जाने का वजह से दरवाजा गिरने लगा, ये दरवाजा को 1903 में लॉर्ड कर्जन बंद किया गया, नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये दक्षिण दरवाजा, दक्षिण दरवाजे में दो देखिए, दो घोड़े देखिए, पोस्टल डाक टिकट में छोटा स्टाम्प का फोटो मिलते हैं पोस्टल में। ये देखिए प्रभात सूर्य भगवान,
भगवान एक दिन में तीन ही रूप होता है, सुबह होता है बच्चा, दोपहर होता है जवान, शाम को हो जाता है बूढ़ा। हमारी उम्र ऐसी है, 20 साल बच्चा, 20 साल जवान, 20 साल बुढ़ापा। आदमी का 3 स्टेज है, भगवान का भी 3 स्टेज है। ये देखो कमल फूल पकड़ा है, ये देखिए पुराना 20 रुपए का नोट का पीछे रिजर्व बैंक का फोटो मिलते है। ये होता है पुराने 20 रुपए का नोट का पीछे, देखा, ये होता है पुराने 20 रुपए का नोट का पीछे। ये देखिए बच्चों देखने के लिए हाथी घोड़ा जानवर देखी खुशी होंगे, जवान आदमी बीच में काम सूत्रा सेक्सुअल देखी खुशी होंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बूढ़ा आदमी ऊपर सूर्य भगवान को देखी खुशी होंगे। बच्चा जवान वर्ल्ड आदमी का 3 स्टेज है, ये मंदिर के अंदर ऐसे 3 स्टेज है। नांगुला नरसिंह देव रानी भानुमती जो राजा बनाया था मंदिर को। ये देखिए हाथी के सामने जिराफ देखिए, हमारे देश में जिराफ नहीं है, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जिराफ है। हमारे देश में स्वागत कर रहा है, हमारे राजा हाथी में बैठे है, वो औरत लोग को स्वागत कर रहा है, जिराफ पे शासन कर रहा है। ये देखिए लोहे के जॉइंट देखो, ये देखिए लोहे के जॉइंट यहाँ भी है, दैट टाइम नो सीमेंट। ये देखिए वेट फॉर हस्बैंड, बीबी इंतजार कर रहा है पति के लिए, एक दरवाजा खोली खड़ा है, कब मेरा पति आएगा। देखिए देखा ये जो बैठ खड़े हैं वेट कर रहे हैं। ये देखिए पति पत्नी का झगड़ा हो गया, माई के घर चला जाता है, बच्चे को आगे आगे लेकर सामान पकड़ के पीछे पीछे हस्बैंड आते मनाने के लिए। ये है इसमें, ये देखिए लोहे के जॉइंट देखो, देखिए दाढ़ी पगड़ी वाला, देखिए दाढ़ी पगड़ी वाला रुद्रा के हाथ में है, विश्वामित्र तपस्या किया था, विश्वामित्र ऋषि है ना, तपस्या किया था इंद्र पद लेने के लिए, इंद्र का मेनका को भी इसके इंद्र देता, मेनका को भी तपस्या भाग के लिए इंद्र पद नहीं पाया। हस्बैंड देख लिया, उनका हस्बैंड ने बाल काट के पनिशमेंट दे देते। ये देखिए बूढ़ा उम्र का आदमी जवान लड़की को शादी कर लिया, जवान लड़की बताया मेरे को कान में बटा के लेके चलो, नहीं जाएगा तो दंडा पकड़ा है, पिटाई करेगा, बूढ़ा उम्र में क्यों शादी किया ना। ये देखिए औरत लोग को बच्चा पैदा करते थे, दैट टाइम मेडिकल नर्सिंग कुछ भी नहीं था, दैट टाइम में आग देख के सेक किया जाता था, अभी मेडिकल भिजवा के इंजेक्शन देख के ठीक किया जाता है आफ्टर डिलीवरी, देखा काम सूत्र की जो होती है कि हम कैसे कैसे काम सूत्र काम करता है, कैसे हमारे को काम की वासना जागती है, ये सब वो बता रखते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। वो बेचारा नहीं बताया गाइड कि थोड़ा सा उम्र दराज लोग हैं इसमें। यहाँ पे 7 घोड़े नीचे में रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी ऊपर उठ रहा है, फिर वो नीचे हाँ जो पाव का नीचे देखो, हाँ छोटा रस्सी उठ रहा है ऐसे डिजाइन है, छोटा सा है। फिर सामने में और ना ड्राइवर सारथी बैठे है, इसका मूर्ति, ये मूर्ति है इसके अंदर मूर्ति है सारथी है, किंतु ये मूर्ति में सारथी टूट गया, डैमेज किया था, स्टेडिया कंपनी ने डैमेज कर दिया। किसने किया था डैमेज? स्टेडिया कंपनी स्टेडिया किया। वो दो साइड में राजा पंडित बैठ के प्रणाम करा है, में बूट है, कपड़ा है, बेल्ट है, पैर में कान में कुंडल है, जट्टा वो था वो सिर पर मुकुट आ गया, जवान हो गया, जवान इनका फेस गंभीर भाव है, और दो साइड में राहु केतु है, ब्रह्मा विष्णु दो साइड में है, हाँ। सूर्य का बीबी दो साइड में, देखो उस साइड में 2 बीबी है, उस साइड में 2 बीबी है, वो शनिदेव वाला नाटक देखा उसमें दिखा, द्वारा रखी इधर खड़ा बैठा है, देखो लंबा वाला जो साइड में दाएं तरफ से देखो द्वारा रखी खड़ा है, उल्टी बात नहीं कहते, सास को मुंह घुमा लिया, ये देखो अभी जमाना बदल गया, सासु का स्टेज है, बो ले लिया, बो कहते सासु ले लिया है ना, अभी चलते है ना 100%। यहाँ पे 12 रुपया फिनिश हो गया, वो बाद में 12, वो बाद में 12 26 घंटा के लिए 24 रुपया है वाला मूर्ति देखो, गिरी गोवर्धन कृष्ण भगवान एक अंगुल से पर्वत उठाया, उधर देखो उधर पहला, हाँ बाबू काका दो साइड में गांव है, दो साइड में गांव है ना, देखा उसी में धान पत्र का पीठ में लखन का ग्राम सब दिया गया सब।
उसके ऊपर मैग्नेट फिट किया गया, मैग्नेट सारा मंत्र को बैलेंस रखा था, जब उन्होंने मैग्नेट को हटा दिया तभी सब गिरने लगा, पत्थर कोलैप्स हो गया, बैलेंस हो गया। देखा लो इतना पावरफुल था समंदर में, जो जहाज चलते थे ना वो भी सारे अनबैलेंस हो जाते थे, किलोमीटर दूर से जहाज को खींच के ले आते, इतना पावरफुल मैग्नेट था। ये देखिए सब लोहे के क्लैंप सब था, ये दरवाजा में देखो सब पत्थर के अंदर लोहे के क्लैंप, ये देखो लोहे अभी भी है, देखो इधर अंदर लोहे अभी है, देख लो किसी को देखना है तो देख लो, इसका अंदर नहीं है, इसका अंदर नहीं है, इसका अंदर है। तो पत्थर दूसरा दरवाजा को 1903 में बंद किया गया। दूसरा दरवाजा में देखिए दो हाथी, देखिए यहाँ एक आदमी को पकड़ा है, कोई आदमी आ जाएंगे तो उसको पकड़ लेते हैं, क्यों आपका घर में जो जब चौकीदार 800 साल पहले का पंचायत भी है वो तो दूर जाने, यहाँ देखिए एक लड़की के साथ कुछ भी पूरा हुआ है, अंदर में लड़की बैठे है, दो साइड में दो मुखिया बैठे है, विचार चल रहा है विचार में क्या फैसला होगा, कुछ महिला लोग को खड़ा है सुनने के लिए, कुछ सॉल्ट का वजह से नष्ट हो रहा है, कुछ पत्थर गिरने का वजह से नष्ट हो रहा है, इसीलिए इसको क्लेम करा दिया गया, नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे जल्दी नष्ट हो जाएगा, अभी भी प्लेन वाला पत्थर सब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है सॉल्ट का वजह से। आगे यहाँ आइए, देखो यार मूर्तियाँ तोड़ दी जा रही है, मतलब ऊपर वाला धड़ जाएगा नीचे वाला हिस्सा हो गया, अरे इधर का कुछ नहीं है क्या? वो सब काम सूत्र है तो अंकल जी कह रहे हैं कि इधर कुछ बताने का नहीं है, क्या बताने का लायक होगा तो यहाँ बताएंगे, आइए ना दरवाजे का बारे में बताएंगे, आइए सोचना नहीं चाहिए इनका बारे में, देखो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है लोहे, सब लोहे के चुरंत था पत्थर का बीच में, बहुत ज्यादा डैमेज करके चले गए, वो बाजू में चार है वो बाजू में तीन है, चार दिन सात है, सप्ताह के सात दिन है, सात दिन में सात रंग प्रकाश करते हैं, यहाँ से चार, यहाँ से चार, यहाँ से तीन, ये यहाँ ये घूम जाइए, यहाँ से देख लो दरवाजा को जाओ, दरवाजा का पास छोड़ेगा नहीं किसी को भी, यहीं पर रुकेंगे, जब जाएंगे सामने में यहीं पर रुकेंगे, जहाँ यहाँ खड़ा है इतना दूर में रुकेंगे, इतना दूर से वो गेट रहेगा, ये दरवाजा में देखिए दरवाजा में चौकाट होता है ना, दरवाजे को चौकाट बोलते ना, चौकाट होता है दरवाजा का, नाग देवी रहता है चौकाट में, इसीलिए चारों बाजू में देखिए नाग का बंधन दिया गया, बीच में देखिए सप्त ऋषि है, गंधर्व किन्नर यक्ष नर नाग लोग होता है, सप्त ऋषि दरवाजे का बीच में खड़ी है, ये सीन को जब देखना है तो प्रैक्टिकल पास देखना है तो मेरा साथ आइए यहाँ दिखा देंगे। ये पेड़ कितना पुराना होगा? अनबिलीवेबल। देखो वही दरवाजा दिखा था ना, वही ग्रेनाइट का दिखा था ना दरवाजा, ये देखिए चारों बाजू में नाग का बंधन दिया गया, बीच में देखिए सप्त ऋषि गंधर्व किन्नर यक्ष नर नाग लोग होता है, ये मूर्ति टूट गया, ये मूर्ति कहाँ था वो दरवाजा में था, ये 13 छोटे आयरन बीम देखिए वो ये मंदिर बनाया है पत्थर से, ऐसे पत्थर के बनाया ना, कौन आया बनाया मंदिर, नहीं नहीं ऐसे पत्थर की बनावले आए थे, अंदर हर पत्थर बीच में लोगों का क्लैंप है, क्लैंप क्लैंप पकड़ने
वो ग्राम से वो ऊपर से ज्वाइन किया गया, सारी मंदिर को बैलेंस कर रखा था। अच्छा, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो मंदिर को हटा दे सब। अच्छा, वो मैग्नेट में बैलेंस था। हाँ, मैग्नेट से बैलेंस था, बैलेंस गड़बड़ हो गया तो वो सब गिरने लगा। और हमारी काम फिनिश। ये लोहे के वो बीम हैं, वो स्तंभ हैं जो मंदिर को बनाने में यूज़ किए गए थे। मतलब यार बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया मंदिर, इस हिसाब से तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी गाड़ी। पर यार ये मंदिर यार मतलब यार लोहा देखो यार, कितने लोहे भारी भारी हैं यार ये। ओ प्रभु, उस टाइम में लोहा बनाया कितना शुभ रूप से बनाया होगा, इतनी लंबी लंबी लोहे की बार बनानी यार कोई छोटी मोटी बात नहीं। इनको उठाते हो, कुछ लोग हैं कि सीखने की या समझने की चीज़ें उसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं भाई। मतलब इस कदर है ये कहानी कि वो जल्दी से फटाफट जो है मतलब सेल्फी वगैरह खींचने लग गए, रील्स बनाने लग गए। अरे भाई, अपनी संस्कृति को समझो, अपने सनातन धर्म को समझो। मतलब मंदिर में जो देखने की जो चीज़ है, नीचे की तरफ दिखा रखा है हिस्सा, वो हिस्सा है कि बचपन में, मतलब बचपन से हम कैसे गुजरते हैं, फिर जवानी में कैसे गुजरते हैं, फिर उसके बाद काम करना, काम क्रोध मोह लोभ झगड़ा, बच्चे परिवार दुनियादारी काम धंधे, कैसे मतलब हम धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं। और फिर जब ऊपर की तरफ दिखा रखा है कि बुढ़ापा आता है, तो फिर हमारा ध्यान जो है काम क्रोध से हटके प्रभु के मोह की तरफ, माया को छोड़ के भगवान की तरफ हमारा जो है होना चाहिए ध्यान। और सबसे ऊपर फिर सूर्य देव का मतलब दिखा रखा है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश दिखा रखे हैं। तो भाई देखने के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने के लिए। अब ये देखो, भाई मेरे हिसाब से इसको ऐसे खुला ना रख के ना यार, इसको कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए अच्छे से, या तो किसी जो लोहे को जो जंग से बचाने के लिए केमिकल वगैरह होता है उसकी इचिंग करके इसके ऊपर या पॉलिश करके इसको रखना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो ये जो है ये भी विरासत खो देंगे भाई, हम जो बच्चा है उसको भी नहीं संभाल रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट जब हटा दिया ना उसके बाद जो लोहे में जो पकड़ बनी हुई थी उस मंदिर को रखने की सेफ, वो धीरे धीरे कम होती गई और सारा मंदिर धीरे धीरे अब झड़ रहा है। मतलब मैग्नेट ना होने की वजह से, क्योंकि मिश्र धातु को यूज़ करके सीमेंट में मतलब जॉइंट कर रखा है, पिलर्स में क्लैंप लगा के जॉइंट कर रखा है। तो जैसे ही मैग्नेट हटाया तो उसके बाद वो मंदिर जो है धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो गया। कितनी बड़ी नक्काशी कर रखी है यार। सूर्य टेम्पल के ऊपर तो मेरे हिसाब से पूरी बुक भी लिख रखी होगी, क्योंकि यार इतनी मूर्ति बना रखी है इसके अंदर, इतनी सारी मतलब ये स्टैचू ऑफ बना रखे हैं। लाइक अगर समझने लगे ना पूरी मंदिर की हिस्ट्री और डिटेल्ड, भाई पूरी ना डिक्शनरी जितनी बड़ी बुक बन सकती है भाई। अब ये देखो इनको, इनका साड़ों का हरकतें देखो, मेरे मुँह से तो गाली निकल रही है। देखो यार इतनी प्यारी मूर्ति थी, ये डैमेज कर रखी है बीच में। क्या यार ये हाथी बने हुए हैं। ये चीज़ मैंने फील की है कि एक टेंपल को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, ये मंदिर है भाई। मैंने भी ये गलती की है टू बी ऑनेस्ट, और लोग तो कर ही रहे हैं, चप्पल लेके सब लोग ऊपर नीचे इधर उधर चढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं। ये जो जगह है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सूर्य मंदिर के एक साइड पर छाया देवी का है और एक साइड पर माया देवी का है। तो दो टेंपल हैं, तीन है ना, सूर्यदेव का, छाया माता का और माया माता का। तो शनि देव जी की दो माता थी, छाया और माया। अब ये देखो ये छाया देवी जी का टेंपल है। जय माता राम। ठीक है, ये देखो तो भाई गवर्नमेंट ने एक उपाधि तो दे दी एक मंदिर को टूरिस्ट हिस्टोरिकल प्लेस की,
पर नहीं भाई, ये मंदिर है मेरे हिसाब से, यहाँ पे ना दोबारा सूर्य देव की पूजा शुरू होनी चाहिए, दोबारा सब चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए, पूरी हिस्ट्री को दोबारा रिकवर करना चाहिए। इसको ताला लगा के रखा है क्योंकि ये मूर्ति है ना इधर, तो लोग आएंगे पांव चढ़ाएंगे, इधर उधर पांव रख के चढ़ेंगे, तो इसलिए ये इस एरिया को थोड़ा सा भाई। अभी हो गया है टाइम पूरा, अभी चलेंगे सामने जो बीच है बीच की तरफ चलेंगे, क्योंकि टाइम हो जाएगा ज़्यादा, नहीं तो सनसेट हो रहा है उसके बाद, नहीं तो आगे हम ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे, और उसके बाद अपने को पूरी वापस भी जाना है, और पूरी से फिर वापस ट्रेन पकड़नी है। तो भाई जो शुरू में हम रास्ता देख रहे थे ना, उधर टेंपल से आ रहा था नवग्रह वाला, ये वही रास्ता है, नवग्रह है इसका नाम। यहाँ पे मतलब नौ जो ग्रह हैं हमारे, उन ग्रहों की पूजा होती है, तो हमारे भी ग्रह उल्टे सीधे चल रहे हैं भाई, मेरे हिसाब से करनी चाहिए हमारे को आरती नौ ग्रहों की। तो यह है नवग्रह टेंपल, यहाँ पे नवग्रहों की पूजा होती है, मैंने भी आरती कर दी जो मेरे से हो सका। अब समंदर के बीच हो जाएंगे हम, माफ कीजिएगा। सुंदर का है सुंदर, सच में सच में। चलो चलो सुनो फिर, मेरी तरफ से फिर कुछ प्यार है आपके लिए भी। मेरे को आप 30 रुपये वापस दे दो। थैंक यू, करेक्ट कीजिए। सच में? सच में सच बोली आपने बात जी, अब ये झूठा। फिर अभी एक लड़की ने रिजेक्ट क्यों कर दिया मेरे को? सुनो, आजकल का लड़की, अरे कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ख्याल रखो अपना। लड़की जिसके पास पैसा होगी उसको प्यार करेगी, और उसके बाद खत्म हो जाएंगी और दूसरा लड़का के साथ भाग जाएगी, ऐसे होता है। चलो आप लोग खुश रहो, ख्याल रखो अपना, ठीक है। हरियाणा से आया मैं, पानीपत से। जय माता दी, जय माता दी।